नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मुशर्रफ राणा। आप देख रहे हैं क्लासी मीडिया न्यूज। पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, या हो देश के अंतिम छोर में बैठे व्यक्ति की आवाज। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाते हैं वो खबर जिसका सीधा सरोकार होता है आपसे। यूपी के जहांगीराबाद थाना में संपूर्ण समाधान दिवस में डीएम रविंदर कुमार व एसएसपी संतोष कुमार जनता की समस्याएं सुनने पहुंचे। वहीं सामुदायिक चिकित्सा केंद्र व नगर पालिका द्वारा संचालित गौशाला का भी अचूक निरीक्षण किया। सामुदायिक चिकित्सा केंद्र के अधीक्षक व पशु चिकित्सक को अच्छे कार्य करने के लिए शाबाशी भी दी। इसी दौरान अधिकारियों में भी हड़कंप मचा रहा। मैं डॉक्टर आशीष मुगल, अधीक्षक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जहांगीराबाद। डीएम साहब ने आज निरीक्षण करा है स्वास्थ्य केंद्र का, क्या का निरीक्षण किया है? डीएम साहब का आज निरीक्षण था और वो हमारे पास में सुबह लगभग 10:45 के करीब आए थे। उन्होंने हमारे यहाँ पे सभी कुछ ओपीडी, टीकाकरण, दवाइयाँ, स्टोर, लेबर रूम, वार्ड, आयुष्मान वार्ड, साफ सफाई, टॉयलेट, इमरजेंसी चश्मे का वितरण, नेत्र विभाग, हर जगह उन्होंने जाके स्वयं देखा, टॉयलेट में स्वयं अंदर जाके देखा, सब जगह का निरीक्षण किया, फर्श का, दीवारों को भी देखा, पूरे अस्पताल का उन्होंने निरीक्षण किया। क्या खामियां पाई गई? खामियां तो एक जो हम उनको मिली वो ये, जो ठेकेदार हमारे यहाँ पे खाना दे रहा है जीएसएस के लाभार्थियों को, वो मेनू के अनुसार नहीं था। ये बात पहले भी हमने बताई थी अपने अधिकारियों को और उनके सामने भी आई, लोगों ने शिकायत की थी खाना नहीं मिलता है, और बाकी और कोई शिकायत नहीं थी। एक हमारे यहाँ पे बेबी वार्मर खराब था, वो हमने बता दिया था बेबी वार्मर खराब है। एआरवी की भी एक शिकायत थी कि एआरवी नहीं मिल रहा है, तो एआरवी जो था वो हमको जिले से नहीं मिला, जो आज हमने उसको उपलब्ध करा दिया। क्या मांग रखी है आपने अस्पताल के लिए? हाँ, जब वो उन्होंने हमारे काम को देखा, उन्होंने जब हमारे यहाँ पे साफ सफाई को देखा, तो मैंने उनसे एक मांग की थी। हमारे यहाँ पे कुछ कच्चा हिस्सा है जहाँ पे मिट्टी का कच्चा हिस्सा है, मैंने उनसे विनम्र आग्रह किया था कि साहब मेरे को ये इंटरलॉकिंग टाइल है, इसको पक्का करा दीजिए। उन्होंने तत्काल इसके निर्देश दिए और कहा कि इसको तत्काल इसको इस काम को कराया जाए। एक नालियाँ हमारी क्योंकि नीचे पड़ रही है रोड से, तो उन्होंने एसडीएम साहब को तभी उन्होंने निर्देश किया कि नालियों का जो आगे जो नाली जहाँ खुलती हैं, चाहे नाला गहरा कराना पड़े या कैसे भी हो, ये नालियों का पानी निकासी सही होनी चाहिए। और उसके बाद 2 बजे के करीब नगर पालिका वालों ने पूरे बाहर नाले भी साफ किए, सब कुछ व्यवस्थित। उनसे हमने 2 चीज़ें मांगी थी, उच्चीकरण और फर्श का उच्चीकरण और इंटरलॉकिंग का काम हमने मांगा था। उन्होंने दोनों ही चीज़ों को हमारी को पास कर दिया, बोले कि हम आपके